हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। महारानी सीता, महाराज राम आपके राज्य अटल रहे। Thank you.
चारों ओर ही प्रजा खुशी से नाचत गावत रहा। खाली अयोध्या के प्रजा ही ना, सगरी सृष्टि नाचत रहे। ऐसा लागत रहे कि सगरे संसार ही राम दरबार बन गई रहे। सभी लोगन में देवता, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि आदि भी जैसे आनंद उत्सव मनावत रहा। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से स्वयं चारों वेद भी मानव देह धारण करके भगवान श्री राम की स्तुति करें उनका दरबार में पहुंच गई है। सजा हुआ दरबार
गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा उमे समाप्त कर देले रहन, जहां राम जी के राज्याभिषेक भए। हालांकि भगवान श्री राम के जीवन के एगो अति करुणा जनक भाव अभी बाकी बा। असल में उनका से सीता वनवास के दूसर प्रसंग दिखले ही ना गए। सीता त्याग के कल्पना से ही वो कांप उठला। बाकी ना देखे से ना लिखे से वो घटना के नाश्ता ना भइल। सीता माई के अयोध्या छोड़ के वनवास के दुख तो सहे के ही पड़ल ना, सत्य के नकारल तो ना जा सकेला। रामायण के आदि रचनाकार भगवान वाल्मीकि सीता वनवास और लवकुश कांड
आपन ग्रंथ में लिख ले रहा, बल्कि घटे से पहले ही प्रसंग लिख दे ले रहा, काहे कि ब्रह्मा जी वहां के त्रिकालदर्शी होके के शक्ति प्रदान कर ले रहा। ये अंतर है वाल्मीकि और तुलसी में। वाल्मीकि अवतारी पुरुष रहन, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिखा, वो भी ई घटना से न भगे, जे सुखद ना रहे, वो जे सत्य रहे, वो बिना संकोच निराशक्त भाव से लिख दे। महर्षि वाल्मीकि की कथा संस्कृत भाषा में लिख ले रहा, फिर तमिल में महर्षि कंबन और ये मलयालम में उड़ित तच्छन ई कथा के लिख ले, और वो भी आपन आपन रामायण में लव कुश कांड के भी लिख ले। पहले तो हमहू तुलसी जी के तरह ही तय कैले रही कि हमहू उतने कथा कहब जितना तुलसी जी कहले है। अब हम जनता के मांग के सामने नतमस्तक होके लव कुश प्रसंग के जेकरा वाल्मीकि जी उत्तर कांड के नाम दिले है, वही उत्तर कांड के हम उत्तर रामायण के नाम दे के प्रस्तुत कैले है। महाराज रामचंद्र, हम आपके कुल गुरु वशिष्ठ आर्यावर्त के सगरे ऋषि कुल के ओर से आपके अभिनंदन करते हैं। हे रघुकुल मणि, ये आपके जीवन के एगो बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, जब आप अपन पुरख सुशोभित और सम्मानित राज्य सिंहासन पर विराजित हो रहे हैं। राजा बनल उतना ही कठिन काम है जितना सेवक धर्म निभावन, कहे कि राज्य में प्रजा के सेवक ही हो खेला, प्रजा के आनंद ही ओकर सबसे बड़ा तपस्या। अब हम कौशल देश के प्रजा, आपके मंत्रीगण, आपके सेना और राज्य के अधिकारी लोग की ओर से नया राजा के रूप में आपके स्वागत करते हैं और आपन ओर से आशीर्वाद देते हैं कि आपके पराक्रम ऐसा होके कि आपके राज्य सदा अक्षय बने, आपके आए वाली पीढ़ी के भी यही तरह से प्रजा के स्नेह और आदर मिले। परम पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद खातिर हमार कोटि कोटि धन्यवाद स्वीकार करें। हमार स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ हमके राजा के कर्तव्य के समझावत काले रहन, जे राज मुकुट पहरेला वो अपना आपके आपन देश और प्रजा के हाथ में सौंप देला। राजा होवे के अर्थ है सन्यासी हो गए, फिर ओकर आपन कुछ न रहला, सब कुछ देश के हो जाला। जरूरत पड़े पर राजा के देश के खातिर स्त्री पुत्र मित्र यहां तक कि अपन प्राण भी त्याग देवे के पड़े तो त्याग देवे, काहे कि देश योकर मित्र है, देश योकर परिवार है। जे अपन देश खातिर सब कुछ त्याग ना कर सके, ओकरा राजा बनके प्रजा से कर लेवे के कोनो अधिकार नहीं खे। हम अपन प्रजा का आश्वासन देते हैं कि हम धर्म नीति सत्य और न्याय के आधार पर ही अपन राज्य चलाएं। आज से प्रजा के अलावा हमार आपन केहू ना रहल। यदि जीवन के सबसे प्रिय वस्तु के भी त्याग करे के पड़ल तो हम क्षण भर के भी देरी ना करब और प्रजा के देखभाल के अपन कर्तव्य से कबो मुंह ना मोड़ब, प्राण त्याग देव, बाकी प्रजा के हित के त्याग कबो ना करब।
रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र के। जय जय। 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 मंगल भवन अजीर बिहारी सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन